इस ब्यूटीफुल जिंदगी की इस ब्यूटीफुल दोपहर में आपका स्वागत है। ये देखिए, पहले देखिए दो सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, कितना सुंदर इनका कलर है, और बारिश पड़ने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करना चाहते हैं वो है ये, किचन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक पत्ता जिसे हम कहते हैं तेज पत्ता। देखिए तेज पत्ता, फ्रेंड्स ये बहुत गुणकारी पौधा है। सर्दी जुखाम में, डायबिटीज में आप इसको बहुत यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मतलब इसके प्लांट, हरे पत्ते, इसके सूखे हुए पत्ते, इसको सुखा लीजिए, इन पत्तों को सुखा लीजिए, वो भी यूज़ होते हैं, और इस प्लांट की बात जो छाल भी यूज़ होती है दालचीनी के फॉर्म में। आपने देखा होगा दालचीनी, अगर हम इसको ऐसे खा कर दें, छोटे छोटे पीसेस इसके बना लें तो क्या होता है, दालचीनी के फॉर्म में यूज़ होते हैं। बहुत गुणकारी पौधा है। देखिए अभी बारिश पड़ी, इस पर तो कितना खुश हो रहा है। बारिश तो प्लांट्स बहुत इन्जॉय करते हैं, हम वैसे कितना भी इनको पानी दें पर बारिश का इनका बारिश में अपना मज़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके गुणों की बात करूँ, अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो कहा जाता है इसकी चाय पीनी चाहिए। तेज पत्ता की अगर आप चाय पिए तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अगर सपोज आपके कहीं मतलब मांसपेशियों में दर्द हो तो ये भी कहा जाता है कि आप इसका तेल बनाइए, तेल बना के आप इसको जोड़ों पर लगाइए तो जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। और अगर मैं सिर्फ इसके ब्यूटी टिप की बात करूँ, ब्यूटी टिप्स की अगर मैं रेस्पेक्ट में इसकी बात करूँ मैं, तो सपोज़ आपके कील मुहासे हो गए हैं तो आप क्या करिए, इसके पत्तों को पीस कर कील मुहासों पर लगाइए, दाग पर लगाइए, तो क्या होता है उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। और एक और बात फ्रेंड्स, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। और अगर सपोज आपको मतलब बालों की कोई समस्या हो तो अगर आप इसके पत्तों को पानी में उबाल कर अपने बालों पर लगाएं तो कहा जाता है कि ये तभी बहुत फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये पूरा का पूरा पेड़ हरे पत्तों से लेकर, चाहे इसके पत्ते सूख जाएं या इसके पेड़ की मैं छाल की बात करूँ, ये पूरा का पूरा प्लांट गुणों का खजाना है। आयुर्वेद में तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। आयुर्वेद की अगर आप कोई बुक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने मतलब इसके क्या क्या यूज़ हैं, पूरे यूज़ हैं। लेकिन ये इंडियन रसोई ही नहीं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होने वाला प्लांट है। और जो गार्डनिंग के शौकीन होंगे और जिनको मतलब इसके गुणों के बारे में पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है इस गुणों के बारे में, अगर आपको पता है तो आपको आप अपने इसे गार्डन में लगाना बहुत पसंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है, छोटा सा लगाया था हमने, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि गुणकारी बहुत है। और देखिए बारिश, देखिए इस बारिश का पूरा मज़ा, प्लांट्स तो बहुत खुश होते हैं इस बारिश में। फ्रेंड्स, ये बहुत गुणकारी पौधा है, मतलब इसके गुणों की चर्चा शायद एक आप कभी कोई बुक पढ़े तो आपको पूरी पता चले, एक वीडियो में शायद मैं बता भी ना पाऊँ, मेरी वीडियो बहुत लंबा हो जाए अगर इस गुणों की बात करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुणकारी पौधा है। और आप इस अपने से गार्डन में, अगर गार्डन नहीं हो तो गमले में इसको लगाएं, ये बहुत यूज़फुल। अभी तो बारिश इंजॉय कर रहा है, हर प्लांट इंजॉय करता है, हर कोई इंजॉय करता है बारिश को, क्योंकि गर्मी में देखे से राहत मिल रही है, और मुझे लगता है बहुत खुश होते हैं प्लांट्स जब बारिश पड़ती है। तो हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए, ज़िंदगी के हर मौसम को, क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं, तो हर मौसम का को इंजॉय करना और हर मौसम में रहने की हमें आदत होनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है प्लांट बहुत खुश होते हैं जब बारिश पड़ती है, और जब ये खुश होते हैं तो जिनको गार्डनिंग का शौक होता है या जो प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी बहुत खुशी मिलती है, जैसे इसकी इस वक्त मुझे मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो बस यही कहूँगी कि पेड़ लगाइए, और पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उस पेड़ का उस पेड़ की केयर भी कीजिए, लगा के उसको छोड़ देना काफ़ी नहीं है। जैसे उसकी अगर हम केयर करेंगे तभी वो पेड़ क्या होगा, पूरे उसके गुणों का हम भी आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि पेड़ है तभी हम हैं, तभी ये ज़िंदगी है, और जब हम हैं तभी ये ज़िंदगी ब्यूटीफुल है। बाय।